नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल, जिस पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। धोलाना से सपा के पूर्व विधायक धर्मेश तोमर जी को लोग उनकी छवि, विकास कार्य और व्यवहार के द्वारा जानते हैं। धर्मेश तोमर जी सपा के पूर्व विधायक रहे हैं, मगर धर्मेश तोमर जी ने भाजपा से प्रभावित होकर मान सम्मान से भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा भाजपा ज्वाइन की। वैसे तो उन्होंने विकास कार्य अपने कार्यकाल में बहुत ज्यादा कराए हैं, ऐसे ही धर्मेश तोमर जी ने इस कोरोना महामारी के समय में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अपने क्षेत्र से एक बहुत बड़ी रकम 13,62,000 रुपए इकट्ठा करके प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजी है। इसी छवि, इसी व्यवहार की वजह से धर्मेश तोमर जी का नाम है। हमारे साथ मौजूद है धर्मेश तोमर जी, आइए उनके विचार सुनते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है धर्मेश तोमर जी, जो पूर्व विधायक सपा में थे। वैसे तो इनके बारे में जानकारी देना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका नाम ही काफी है। धर्मेश तोमर जी सपा से विधायक थे, मगर भाजपा की कुछ अच्छी नीतियों को देखकर प्रभावित होकर भाजपा में बहुत ज्यादा सम्मान के साथ स्वागत किया गया है धर्मेश तोमर जी का। तो आज धर्मेश तोमर जी हमारे साथ मौजूद है, तो हम जानना चाहेंगे इस लॉकडाउन के दौरान क्या नीतियां चल रही हैं इस लॉकडाउन से लड़ने के लिए। आज जो कोरोना वैश्विक महामारी है और पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, इस समय में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी के द्वारा जो कुशलता के साथ हमने इस जंग को जारी रखा है, और मोदी जी इसका स्वयं बहुत बारीकी से जो देखते हुए खुद इसका एक तरह से कह दें तो इस युद्ध का संचालन कर रहे हैं, और जिनके कुशल संचालन में हिंदुस्तान अभी तक इस महामारी के विकराल परिणामों से बचा हुआ है। और हमें उम्मीद भी है कि हमारा देश बहुत सफलतापूर्वक कोरोना से लड़ेगा, और पूरा एक प्रिंट आउट तैयार करते हुए हमने ये कोरोना के प्रति लड़ाई लड़ी है। बहुत सोची समझी प्लानिंग है, जहां बीमारी है उसका लॉकडाउन है, अलग अलग जोन्स बांटे जा रहे हैं, तो ये है कि बीमारी कहीं फैले ना, तो इस तरह देश में ये सब चल रहा है। बहुत सही दिशा में हम लोग हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर आपकी उपलब्धियों में देखा है कि बहुत अच्छे से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और कॉलोनियों में कोई भी नहीं मिल रहा है, और अभी हम रेलवे ट्रैक पर गए हैं, वहाँ पर हजारों की संख्या में कॉलोनीवासी खड़े हैं, तो इस पर प्रशासन का कोई रोल नहीं है, प्रशासन इस पर कोई सत्ता ही नहीं कर रहा है। प्रशासन की सख्ताई का ही परिणाम है, मेरा मानना है कि लोग लॉकडाउन को निभा रहे हैं, और एक सीमित संसाधन और पुलिस बल के साथ बहुत अच्छी तरह हम लोग प्रशासन भी इस कोरोना के योद्धा हैं, वो बधाई के पात्र भी हैं जो लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, और रहा उन व्यक्तियों का जो इस कोरोना के लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना है उनमें अज्ञानता है, कुछ लोगों ने संभवतः उन्हें भ्रमित किया है कि कोरोना पता नहीं किसके लिए है और गलत ढंग से वो कर रहे हैं, पर जल्दी जो जागरूकता चल रही है, मेरा मानना कि हर व्यक्ति सच्चाई को मानेगा और हर समाज और धर्म से ऊपर उठकर हिंदुस्तान का आम नागरिक जो विनम्र निवेदन मोदी ने हाथ जोड़ के किया उसको स्वीकार करेगा, और जो भी गलती कर रहे हैं इन्हें भी सुधारा जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान फिर भी हम कह लें कि लॉकडाउन निभाने वाला जो देश है, शायद दुनिया में इतना अच्छा लॉकडाउन निभाने वाला कोई देश रहा होगा। उनकी गलती मेरा उम्मीद है कि वो भी सुधारेंगे, उनसे निवेदन भी करते हैं आपके माध्यम से कि वो इस भूल को सुधारें और जल्दी लॉकडाउन के पालन में लग जाएं। जैसा कि आप भारी मतों से सपा सरकार में जीते थे और वो ही आपका पूर्ण समर्थन भाजपा के जनरल वीके सिंह जी को मिला है, और जो भारी मात्रा में जनरल वीके सिंह जी आपके जो आपके वोटर थे वो वोट उनको पड़े हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये असर देखने को मिला है कि जो भारी मतों से वीके सिंह जी जीते हैं, इसका कहीं ना कहीं कारण आप भी रहे हैं। नहीं, जनरल साहब अपने आप में एक कुशल व्यक्तित्व हैं, हिंदुस्तान की फौज के जनरल रहे हैं, तो उनके बारे में तो कोई निम्न आकलन करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कमजोरी होगी। उन्होंने हिंदुस्तान की फौज को देखा है, उसे चलाया है, और मोदी जी की छवि जो पूरे विश्व में है, जो पूरी हिंदुस्तान में है, जो मतदाता उनसे कहा जाए एक तरह से प्रभावित है, वो है ही है, और साथ साथ जो हमारा आधार था जब हम भाजपा में हैं तो भाजपा का आधार बन गया है, बन चुका है और बना रहेगा, तो हमारा भी योगदान है, और मैं भी एक कार्यकर्ता की तरह मैंने किया है। मेरा मानना है कि हर कार्यकर्ता को जब चुनाव हो मतभेद बुलाकर अपनी पार्टी को विजय दिलाने के लिए लगना चाहिए। बीजेपी का भविष्य
माननीय मोदी जी का नेतृत्व, तो ये भविष्य उज्ज्वल है। और एक और भी हम बता दें कि भी हमने दो दिन पहले आदरणीय जनरल साहब की प्रेरणा से, जनरल वीके सिंह जी जो हमारे सांसद भी हैं, उनकी प्रेरणा से कोरोना के लिए एक फंड इकट्ठा किया है। उसमें हमने एक धनराशि अपने सहयोगियों से कहा जो 13,62,000 रुपया है, जिसमें 8,51,000 रुपया मुख्यमंत्री कोष में और 5,11,000 रुपया प्रधानमंत्री कोष में हमने दिए हैं। माननीय जनरल साहब के थ्रू वो जमा हो जाएंगे। तो जनरल साहब का कुशल नेतृत्व है, वो हमें उम्मीद है कि आज वो राज्यमंत्री हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से हो सकता है उन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया जाए, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हों। और भविष्य के भी हमारे इतने कुशल सांसद हैं, आगे भी बने रहें, उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आप बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर आपने बीजेपी में एंट्री की है, तो आपको काफी टाइम भी हो गया है बीजेपी में आए हुए, तो आपको और सरकार की नीतियों में और इसकी नीतियों में क्या फर्क लग रहा है? देश भाजपा में है, पूरा विश्व मोदी जी के नेतृत्व को मान चुका है। और रहा हमारा मानना, बहुत से लोग जब जहाँ जिसका वैचारिक रूप से समानता हो जाती है उधर हो जाते हैं। मोदी जी अभी बहुत लंबे समय हिंदुस्तान को उनकी आवश्यकता है, और देश जिसकी आवश्यकता मान रहा हो, हम जैसे लोग जो राजनीति कर रहे हैं, हमें भी चाहिए कि हम देश के साथ खड़े हों, और हम खड़े हुए हैं। जैसा कि अभी धर्मेश तोमर जी के आपने विचार सुने हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, और अपने समय में इन्होंने जब विधायक थे बहुत ज़्यादा विकास कार्य किए हैं, तभी इनका नाम हर जगह छप गया है और सब लोग इनको आज की तारीख में बच्चा बच्चा क्षेत्र का जानता है कि धर्मेश तोमर जी कौन है। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।